तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंडाग में, और जो है कंट्रोल अभी होता है, ये काफ़ी अच्छा हो भी गया है। देखो इसे बोलते हैं हम तिमू, सर क्रिकेट ही खेलते थे इसमें हम तो, और फुटबॉल वगैरह भी होती है इसमें। तो ये है फील्ड। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों हाँ, आज जो है ना मेरे लिए काफ़ी खुशी का दिन है। आज मेरे जो है कल ही हो गए थे वैसे 200 सब्सक्राइबर। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है ना, वो 200 भी हो चुकी है कंप्लीट। तो दोस्तों जो भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों हमारी जो है एक यूट्यूब फैमिली जो है 200 की बन चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही चाहिए। और दोस्तों मैं इतना खुश हूँ कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु, और मैं पिथौरागढ़ के सुंदर पहाड़ों से एक और आपके लिए एक मस्त वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों कल जिस समय 199 हुए थे ना, तो उसके बाद फिर जब 200 हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, एक फिर कम हो गए थे कोई, तो उसके बाद क्या हुआ था, सीधे फिर 204 हो गए थे। फिर शाम को देखा मैंने 207 हो गए थे, तो अभी 207 पे ही रुके हुए हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। तो दोस्तों 200 भी मेरे लिए बहुत है, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार मेरे को चाहिए। तो दोस्तों हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो आज का मौसम है ना, वो उतना अच्छा भी नहीं है, उतना बेकार भी नहीं है, लेकिन ये कि बारिश नहीं होने वाली है आज। तो दोस्तों हम करते हैं हम वीडियो की शुरुआत, दिखाता हूँ मैं आपको मौसम आज का। तो मैं अभी घर से थोड़ा सा पास में आ रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर को जो है एक दांतों की एक दवाई होती है ना, मैं आपको लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पर को, और इसके दाने भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं ये। तो ये वो होता है, ये काफ़ी अच्छा हो भी गया है। देखो इसे बोलते हैं हम तिमूर। ये देखो दोस्तों, ये जो तिमूर होता है ना, ये जो तिमूर होता है, ये दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको मैं ले जाऊँगा घर को। ये देखो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा भी हो गया है, सूख भी गया है, और इसकी चटनी भी बनाई जाती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत तोड़ लूँगा, क्योंकि ये दांतों के लिए ना बहुत ही अच्छी होती है। इसको अगर आप सुबह जो है अगर दांतों में दबा लें करीब करीब 10 मिनट तक, तो दोस्तों आपके दांत कभी ख़राब नहीं हो सकते हैं। और ये काफ़ी और रखा है ये, और चटनी का काम भी, जैसे चटनी में डालने के बाद भी चटनी भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ घर को। दोस्तों हम लोग ना इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, ये इतना जो हो गया है, ज़्यादा भी नहीं तोड़ना चाहिए, काफ़ी है इतना। तो हमारे घर के पास ही में है, और इसको मैं घर को ले जा रहा हूँ। और अगर ये आपके क्षेत्रों में भी हो तो दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका आप सेवन कीजिएगा, क्योंकि दांतों की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत मस्त रहती है। तो दोस्तों आज ना कंट्रोल में जो है हमारा सामान आया हुआ है, और हम लोग जा रहे हैं कंट्रोल में सामान लेने को, चावल और गेहूँ। तो गांव के बहुत सारे लोग हैं, तो दोस्तों ये देखो बहुत सारे लोग हैं, साथ ही चल रहे हैं हम लोग। तो हम चंडाग पहुंचने वाले हैं, और हम लेके आते हैं कंट्रोल से सामान। ये देखो दोस्तों, सब ये गाँव के ही हैं, और साथ में ही निकलेंगे हम लोग। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चंडाग में, और जो है कंट्रोल अभी शायद खुल गया होगा, तो हम जाएंगे फिर उसके बाद राशन लेने के लिए। तो दोस्तों मैं ना निकल रहा हूँ कंट्रोल की ओर को, शायद कंट्रोल खुल गया होगा। तो दोस्तों फाइनली चावल तो ले लिए हैं, काफ़ी मस्त आ रखे हैं चावल, और कंट्रोल के चावल ना वैसे भी दोस्तों जो पतले चावल थे बिल्कुल मुझे तो पसंद होते नहीं है, मेरे बहुत अच्छे चावल होते हैं, बिल्कुल साफ है। तो अब इसको ले जाकर हम चलते हैं घर की ओर को। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद ना थोड़ा सा मैं निकला हूँ फील्ड की ओर को, और जहाँ पर को हम बचपन में काफ़ी क्रिकेट वगैरह फुटबॉल खेला करते थे। तो मैं थोड़ा सा वहाँ घूमने के लिए जा रहा हूँ, शायद अभी कोई होगा तो नहीं वहाँ पर को। तो आजकल गांव में लड़के भी सब इधर उधर ही हैं, कोई जॉब कोई कुछ कोई कुछ। तो मैं जा रहा हूँ एक बार टहलने के लिए, दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको अपना फील्ड। तो मैं बस फील्ड में पहुँचने वाला ही हूँ,
मैं आपको फील्ड दिखाना चाहूँगा। ये है वो फील्ड, तो यहाँ पर को मिशन का फील्ड है हमारा, तो बहुत बड़ा फील्ड है दोस्तों। तो इसमें हम क्रिकेट खेलते थे, हम ज़्यादातर क्रिकेट ही खेलते थे इसमें हम, तो और फुटबॉल वगैरह भी होती है इसमें। तो ये है फील्ड, ये है दोस्तों हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो काफ़ी मस्त है। तो ये है दोस्तों फील्ड हमारा, और यहाँ पर कोई पिच है जो ये है, यहाँ पर को क्रिकेट खेलते थे हम लोग। और यहाँ से जो छक्के की बाउंड्री थी ना, वो यहाँ पर को है ये, जहाँ पर को अभी मैं खड़ा हूँ। और ये यहाँ पर को देवदार ही देवदार है, पूरा देवदार ही देवदार है। देखो जहाँ तक देखोगे आप, पूरा आपको देवदार ही देवदार मिलेगा। दोस्तों फील्ड से निकलने के बाद ना, यहाँ पर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर से ना, ये इस साइड में से यहाँ पर कुछ जो है पेड़ जो है, देखो ये इसमें गिर रहा है। वैसे भी ये पुराना ही है मकान तो जो है, लेकिन ये देवदार का पेड़ जो है ये सीधे शायद इसमें गिरा था। और वहाँ पर से देखो थोड़ा दरार भी आ रखी है, जो ये गिर रखा है ना, ये देखो ये यहाँ पर से गिरा हुआ है। यहाँ से गिरा हुआ है ये, और ये यहाँ पर को गिर रखा है पूरा सा। तो आपको जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे देवदार के पेड़ हैं ये देखिए। और जिस समय गर्मी होती है ना, तो यहाँ पर को टूरिस्ट लोग भी काफ़ी आते हैं। और यहाँ पर को देवदार में आने के बाद ना, ऐसा फील होता है कि जैसे आप एसी में बैठे हो। तो हमारी जो पहाड़ी एसी होती है ना, वो यही होती है। तो हम जैसे भी खाना वाना खाते हैं जो भी, तो देवदार के वैसे तो वैसे ही ठंडी रहती है हमारे गांव में, लेकिन फिर भी अगर कभी हम जैसे दोस्तों लोग बैठने के लिए गए तो देवदार के पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। तो दोस्तों इसकी जो हवा होती है ना, काफ़ी शुद्ध होती है, और इसकी जो सेंट कहते हैं, देवदार की जो सेंट होती है ना, तो उससे कभी कोई बीमारी भी नहीं होती है ऐसा कहते हैं। और शायद ऐसा होता है क्योंकि तभी पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा पूरा व्यू इसका, इतने देवदार के पेड़ हैं यहाँ पर को। ये जहाँ तक मैं घुमाऊँगा पूरा देवदार ही देवदार नज़र आएगा, ये पूरा देवदार ही देवदार है, बिल्कुल आगे तक फैला हुआ है। काफ़ी देर बैठने के बाद ना, मैं घर को निकलता हूँ, क्योंकि घर में भी अब थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, अब बजने वाला है। वैसे भी 4:30 बहुत देर बैठ गया था मैं यहाँ पर को, तो अब मैं निकलता हूँ घर की ओर को। तो दोस्तों ना, कहीं कहीं घास कटने लग गया है, और अगले महीने से पूरी घास कटाई हो जाएगी शुरू, और फिर उसके बाद यहाँ पर को मस्त घूमने को आएंगे हम लोग। आग आग भी जलाते हैं हम लोग यहाँ बिल्कुल मांगों में बैठकर। तो दोस्तों अपना पहाड़ों में ठंडी पड़ने लग गई है। पहले जो सूरज अस्त होते थे वो यहाँ पर को होते थे, और अब अस्त हो रहे हैं यहाँ पर को। और जब ज़्यादातर ठंडी होती जाएगी ना, फिर अस्त ये यहाँ पर को होंगे। तो काफ़ी फर्क पड़ गया है, और ठंडी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होने लग गई है, और अब शाम भी होने लग गई है, अस्त होने का टाइम है सूरज देवता का।